ये 3 से 4 बजे करीब के ये अति हुआ हादसा हो गया है। रहने वाला है वो मानपुर का और ये रामपुर मोहल्ला है 31 वार्ड। रात में खा पी के हम लोग सब कोई सोए हुए थे, पूरा मोहल्ला सोया हुआ था। ये हम लोग 4 बजे भोर में उठे तो सुने कि ये हल्ला हो रहा है, तो घर में आके देख रहे हैं तो किवाड़ी लगा के बड़का रड जैसा रोड लेके उस पर 100 वार किया है सोया हुआ इंसान पे। वो किया है उसका नाम काची है, हाँ रघु मांझी नाम है रघु। यहाँ दमाद है यहाँ का। मामला यह है कि सुबह के करीब 5 बजे 4:30-5 के आसपास में हम लोग को सूचना मिला कि पुलिस लाइन भूटोली में कुछ घटना हुई है, तो तुरंत हम लोग यहाँ पहुँचे। पहले तो जो घटना किया है उसको हम निकाले यहाँ से, वो उसका मारने वाला जो खंती होता है लोहा का रड, खून लगा हुआ शर्ट, और उसको गिरफ्तार किया गया है और 3 आदमी को प्राथमिक उपचार है तो हॉस्पिटल भेजा गया है। 2 यहाँ डेड बॉडी पड़ा हुआ है जिसका इंक्वेस्ट हम लोग कर रहे हैं। जघन्य घटना है, उससे पूछताछ होगी घटना का कारण क्या है। जी 2 तो यहाँ स्पष्ट है कि 2 की हो चुकी है और 3 लोग वहाँ गए हैं, उनकी पटना रेफर हो रहे हैं। जी क्या नहीं वो लोग हैं अभी सीरियस है, पटना रेफर हुआ है। जो एक मानपुर का लड़का है जो लोग बता रहे हैं यहाँ कि 2 साल से यहाँ रह रहा है, शादी कर लिया है और उसका सत्यापन किया जा रहा है। ठीक काची बोला ना प्रभु जी, प्रभु मांझी नाम था सर, रघु मांझी नाम है जो पकड़ाया है उसका, रघु मांझी मानपुर मुफस्सिल का है। नहीं जो पकड़ाया है, जो घटना किया है, जघन्य घटना है, इस पर हम लोग पूरी तरह से मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। किस कारण से ये घटना हुई? कारण तो स्पष्ट नहीं है अभी, उससे पूछताछ होगी, कड़ाई से पूछताछ होगी। नहीं जो नशा में नहीं था, नशा में नहीं था, होशोवास में है, थोड़ा विक्षिप्त टाइप का आदमी लग रहा है।